उत्तर बिहार के लिए दरभंगा में स्थित किलकारी हॉस्पिटल एक बार फिर वरदान साबित हुआ है। जहां संतान की उत्पत्ति के चाहत में परेशान 14 साल से दर दर भटक चुकी माँ तब खुशी से झूम उठे जब उनको पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से उनको संतान की प्राप्ति हुई है। जी हाँ, 14 साल से दर दर भटक चुके नेपाल से लेकर बिहार के अन्य जगह में इलाज करा रहे थे, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा से अवगत होना पड़ रहा था। अंत में भाई मीडिया के थ्रू पता चला कि दरभंगा में किलकारी हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टर बबीता सिंह और डॉक्टर मिथिलेश सिंह के अथक प्रयास से यहाँ बहुत सारे दंपत्ति के यहाँ किलकारी गूंज रही है। इधर अनीता मंडल, जो नेपाल के धनुषा घाट निवासी है, वह शीघ्र ही दरभंगा स्थित किलकारी हॉस्पिटल आई और जहां इलाज शुरू करवाया। वहीं महज एक वर्ष की कड़ी परिश्रम एवं 8 से 10 हजार के मामूली खर्च के बाद नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से अनीता मंडल को संतान की प्राप्ति हुई है। जी हां, अनीता मंडल और उसके पति खुश होकर डॉक्टर बबीता सिंह, डॉक्टर मिथिलेश सिंह और भगवान का शुक्र गुजार किया। वहीं डॉक्टर बबीता सिंह ने बताया कि 14 साल से इलाज करा कर थक चुके दंपत्ति जब हमारे संपर्क में आए तो हमने उनको IUI के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन दिया, जिससे दंपत्ति को आस जगी और वह हमारे बताए हुए इलाज शुरू करवाया। वहीं महज एक वर्ष के कड़ी परिश्रम एवं 8 से 10 हजार के मामूली खर्च के बाद नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से दंपत्ति माँ बन गई। वहीं बच्चा और माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ठीक इधर अस्पताल के डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि हमारे अस्पताल में 80 से 85% नॉर्मल डिलीवरी होता है और हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्च में इलाज सुनिश्चित हो सके। अनीता मंडल को माँ बनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या विशेष इनकी प्रयास की है और किस तरह से लोगों को कहेंगे जो माँ, निसंतान माँ माँ बन सकती है? अच्छा, ये हमारे पेशेंट अनीता मंडल नेपाल से आए थे, तो इनका IUI एक प्रोसेस होता है जिसमें कि अंडा बना के बीज हम लोग वॉश करके यूट्रस में डाल देते हैं, उस प्रक्रिया को IUI बोलते हैं। उससे इनका बच्चा हुआ है और उसके बाद बच्चा होने के बाद पेशेंट समय समय पे आके जांच करवाती रही और फिर हमने इनका नॉर्मल डिलीवरी कराया है। कितने दिनों में नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कितने खर्च आया इनमें? देखिये, ये पेशेंट है, एक IUI में ही कामयाब हो गई थी तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। IUI का खर्चा 10 से 12 हजार और उसके बाद डिलीवरी का खर्चा 8 से 10 हजार। बाकी जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट को लगता है खर्चा चेकअप में, दवाइयों में, उतना ही लगा, मतलब मामूली से खर्चे में सब काम हो गया है। आपके एक सप्ताह में आपके यहाँ कितना नॉर्मल डिलीवरी हुआ है? हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का जो रेशो है 50% से भी ज्यादा है, मतलब जितने पेशेंट मेरे आ रहे हैं 60-70%, 80% तक हम नॉर्मल डिलीवरी कराने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पेशेंट को भी फायदा रहता है, कॉम्प्लिकेशन कम रहता है। तो हम लोग देख के जिन पेशेंट का संभव है मैक्सिमम कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। निसंतान माओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? बनाया जाता है इन पेशेंट का, जैसे मामूली उससे हो गया है, वैसे कुछ पेशेंट का सिर्फ दवाइयों से भी हो जाता है, कुछ पेशेंट का IVF में जाना पड़ता है। तो वो पेशेंट जिस तरह से आएंगे, उनकी जांचों में जो प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट होगा। सब पेशेंट का एक जैसा नहीं हो सकता है, तो पेशेंट को आके एक बार कंसल्टेशन लेना है तभी हम बता पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? डॉक्टर बबीता सिंह। मैं MD गायनी हूँ, IVF स्पेशलिस्ट हूँ। क्या नर्सिंग होम का नाम? केयर किलकारी हॉस्पिटल दरभंगा से हैं। नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? जिला। तो 14 साल आप दर दर भटके हैं क्या? कहाँ कहाँ दिखवाए इससे पहले? नेपाल में, इंडिया में, जाके यहाँ इधर भी नहीं हुआ। अच्छा, ये नॉर्मल डिलीवरी की तरह नॉर्मल हुआ बबीता सिंह के पास। के पास आपका संपर्क कब हुआ डॉक्टर साहब के? अभी 10 महीना पहले। 10 महीना पहले। और आज आप माता पिता बने हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे? बहुत खुश है हम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बबीता सिंह के बारे में कैसा लगा आपको यहाँ का इलाज? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वो स्टाफ सब नर्स हुए ना, सब हमको बहुत मानते हैं, हम लोग सब लोग सब यहाँ पर सहयोग किया, बबीता मैम भी सहयोग किया। अच्छा, यहाँ से पहले कहाँ कहाँ आप इलाज करवा चुके हैं? नेपाल में गया था, दरभंगा भी आया था। वहाँ डॉक्टर क्या बोले आपको? वहाँ पर मेडिसिन खाया लेकिन वहाँ पर ठीक नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप कहाँ के इलाज करवाए? यहीं जाकर बबीता मैम के पास। प्रक्रिया एक्चुअली ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि जैसे हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है और जो वाइफ होती है उनके जो उनका बीज लेकर के इनके बीज में डाल करके उसके बाद इसका किया जाता है। इसमें कितना समय लगता है?
समय कुछ नहीं लगता है इसमें, खर्चा एक्चुअली काफी कम, जैसे IVF का खर्चा होता है 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, तो इसमें 8-10 हजार में ये सब जो प्रक्रिया है ये निपट जाती है। सर ये अस्पताल या IVF सेंटर कह सकते हैं, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहचान बन रहा है। जी 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 जी, तो इस पे कुछ बोलिए सर। हाँ ये एक्चुअली ये सही बात आप बोले कि ये जो दरभंगा में ऐसा ये हॉस्पिटल का प्रचार है कि नॉर्मल डिलीवरी यहाँ सबसे ज्यादा होती है। जो पिछले हमारे यहाँ जो 12 दिन का आंकड़ा, जैसे कि अभी आपने देखा है 12 दिन में करीब 23 डिलीवरी हुई है हमारे यहाँ, 23 डिलीवरी हुई है, जिसमें कि 19 डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जो इन लोग के सामने भी 5 डिलीवरी हुई है जिसमें 4 नॉर्मल हुई है इन लोग के सामने में, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले क्या होता है, हम लोग नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आए हम सिजेरियन कर दिए या कुछ ऐसा कर दिए, नहीं है। हम लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल का ट्राई करते हैं, अगर नॉर्मल नहीं है या कहीं बाहर से आया ऑलरेडी सिजेरियन है और सिजेरियन करना है तभी करते हैं, अदरवाइज हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, पहले ट्रायल देते हैं। अगर नहीं होता है तो CS करना ही पड़ता है, अदरवाइज हम लोग नॉर्मल करने का प्रयास करते हैं।